गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम प्रैक्टिस सेट। एंड इन द लास्ट टर्न व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड एज यू नो कि लास्ट टर्न में हम यहाँ फिनिश कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर acceleration due to gravity in terms of mass and universal gravitational constant। तो हमारा जो relation था g is equal to gm upon r square उसको हमने drive कर लिया है। question 3 जो question है that is the direct question जो आपने अपनी notebook में कर रखा है, जो आपको gravitation chapter के सबसे last में heading मिला था कि आपको show करना है कि weight of an object on the moon is कितना वेट होता है मून पर अर्थ के कंपैरिजन में, तो 1/6। ये आपका टॉपिक डायरेक्ट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन कॉपी में कराया गया है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्किप किया, लेकिन आपको करना है। तो आप कैसे ड्राइव करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं और हिंट जो है वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि इसको ड्राइव करने के लिए आपको सबसे पहले दो रिलेशंस लिखने हैं वेट के। और वेट का रिलेशन कैसे आएगा तो आपको पता है वेट और फोर्स दोनों का फॉर्मूला इक्विवेलेंट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला था gmm अपॉन आर स्क्वायर। तो वैसे ही आप वेट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो दो वेट लिखने हैं आपको, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। तो सपोज दैट ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं वेट ऑन मून के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका जी कैपिटल एम जो है वो प्लैनेट का, यानी कि जिस पर रेवोल्यूशन जिस पर बॉडी है उस प्लैनेट की बात हो रही। तो अब हमने मून के लिए लिखा है तो ये हमारा मास ऑफ मून हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो स्मॉल एम है ये कैपिटल एम के सफिक्स में है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है। मल्टीप्लाई वाला एम उसके आगे लिखा है, ये मास है उस ऑब्जेक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं। अपॉन नीचे आएगी रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से आप वेट ऑन अर्थ लिखेंगे तो जी एम ई लिखेंगे सफिक्स में, मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल एम लिखेंगे यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। और फिर इन दोनों वेट को आपको क्या करना है, डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि कैपिटल जी और स्मॉल एम ये कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी उनमें ये बचेंगे मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, इसी तरह से मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इनकी वैल्यूज़ आपको पुट करना होंगी और वो वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप मासेस तो याद नहीं रख सकते कि मून का मास कितना है, मून की रेडियस कितनी है, क्योंकि ये रिलेशंस बड़े हैं। लेकिन आप दोनों में रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है वो कितने टाइम्स है मास ऑफ मून का, यानी कि मास ऑफ अर्थ जो है वो ग्रेटर है, अर्थ का मास ज़्यादा है मून के मास के कंपैरिजन में, और कितने टाइम्स ज़्यादा है ये आपको याद रखना है। तो एक छोटा सा जनरल रिलेशन है कि मास ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस भी मून की रेडियस से बड़ी है, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है आर ई इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ये दो बातें याद रखिएगा, मास ऑफ अर्थ 100 टाइम्स है मास ऑफ मून का और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून की। ये दोनों चीज़ें हम पुट कर देंगे वो जो हमारे पास रिलेशन आया था डिवाइड करने के बाद, तो फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। और ये जो 1/6 है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है, बिल्कुल पूरा डिवाइड नहीं करना है। जब डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्स में हम वैल्यू लिखेंगे तो वो आंसर हमारा आता है 1/6। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है उसमें हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रेस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वेट है वो कैसे वेरी करता है
ऑब्जेक्ट का वेट कैसे चेंज होता है मास और रेडियस के टर्म्स में। तो जैसे अगर एक प्लैनेट पर किसी ऑब्जेक्ट का जितना वेट है, अगर हम दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो उस प्लैनेट के मास और रेडियस के अकॉर्डिंग वेट कैसे चेंज होता है। तो आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है कि वेट का फॉर्मूला ये होता है। तो सपोज़ दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट भी आता है, जिस प्लैनेट पर ऑब्जेक्ट है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आता है और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आता है। तो आप देख रहे हैं मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास ऑफ द प्लैनेट ज़्यादा है, यहाँ पर दे रखा है अर्थ, तो इफ़ मास ऑफ प्लैनेट इज़ मोर, यानी कि मास ऑफ अर्थ इज़ मोर देन एनी अदर प्लैनेट, जिस किसी दूसरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम, उससे ज़्यादा अगर अर्थ का मास है तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मोर। तो ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ जाएगा और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर रेडियस ज़्यादा है प्लैनेट की तो उस प्लैनेट पर ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बताएंगे आप कि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, उसके बाद आगे दे रखा है इन एन हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी केस होता है, इसको हमने इमेजिन किया है। इन एन हाइपोथेटिकल केस इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो अगर डायमीटर हाफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी उसी के टर्म्स में चेंज होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, अगर हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो आपको पता है कि जो रेडियस है आर इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। तो अगर आप आर की जगह पे डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो डी बाई टू हो जाएगा। तो इसी रिलेशन में हम एक बार चेंज करके देखें तो डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो यानी कि फोर कहाँ आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इसमें ये चेंज दे रखा है कि अगर डायमीटर हाफ हो जाता है एंड इट्स मास बिकम्स फोर टाइम्स, और उसका मास पहले वाले मास का कितना हो गया फोर टाइम्स, तो ये मास है तो मास फोर टाइम्स होगा तो एक फोर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था फोर ये वाला आता है मल्टीप्लाई में और एक मास वाला फोर, तो कितना हो गया टोटल 16। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कैलकुलेशन, मास का फोर आ रहा है मल्टीप्लाई में और डायमीटर में जो हाफ आया है उसका जो फोर है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो टोटल कितने से मल्टीप्लाई हो गया 16 से। तो लिखा है देन हाउ वुड द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड, तो वेट कितने टाइम्स बढ़ जाए, बढ़ ही रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है नंबर, तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि वेट जो है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल वेट का। ठीक है, तो वेट इनिशियल वेट का 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो आपको प्रूफ करके भी दिखाना है और इसीलिए आपका ये वाला जो क्वेश्चन है दिस आई एम गिविंग एज होमवर्क। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कैसे आप सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चन यू विल सेंड मी। ओके, फिर आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें यही लास्ट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ऑन द मून सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, इफ द रेडियस ऑफ द मून इज दिस कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, कैपिटल जी दे रखा है। तो अब आपको कौन से फॉर्मूले की नीड है, आपको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी आ रहा हो और रेडियस ऑफ द मून कैपिटल आर आ रहा हो और मास ऑफ द मून आपको कैलकुलेट करना है और कैपिटल जी भी आ रहा हो। तो नाउ आई होप कि यू अंडरस्टूड द रिलेशन, कौन सा रिलेशन हमें यूज़ करना है, वही जो रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में वो हमें यूज़ करना है। तो जब हम लिखेंगे थोड़ा सा ये याद रखा करिए कि जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम मून की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना है कि वी नो फॉर मून, तो सफिक्स में सिंबल्स भी लिख देते हैं। जैसे वैसे तो हम रिलेशन डायरेक्ट लिखते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अब ये सारी मून के लिए बात है तो हम छोटा सा यहाँ पर एम लगा देंगे कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल जी कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई सिंबल नहीं लगेगा, एम में सिंबल लगेगा स्मॉल एम मास ऑफ मून और रेडियस में सिंबल लगेगा आर एम रेडियस ऑफ मून स्क्वायर।
तो ये रिलेशन बनेगा, तो इस रिलेशन से आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मून। तो आपको फार्मूला पहले चेंज करना पड़ेगा, बाद में न्यूमरल वैल्यूज़ लगानी है। तो फार्मूला चेंज जब करेंगे तो मास ऑफ मून इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जी आर एम स्क्वायर अपॉन ये वाला जो कैपिटल जी है ये अपॉन में आ जाएगा। तो रिलेशन आपका बन जाता है जी आर एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। फिर ये सारी वैल्यूज़ लगानी है क्योंकि यहाँ 10 की पावर्स में दे रखी हैं। अब जब तक आप ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाय राइटिंग, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंट्स दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बाय राइटिंग लिखना है सब कुछ, 10 की पावर सॉल्व करनी है, उसके बाद में आंसर सेंड करना है। और जिसमें भी प्रॉब्लम होती है वो आप एक या दो न्यूमेरिकल्स होमवर्क के बाद में यू कैन आस्क, ओके, या फिर आप संडे को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। वही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, जैसे यहाँ 1.74 × 10⁶ मीटर, तो ये रेडियस में 10⁶ है। इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये विदाउट द पावर ऑफ 10 है, डायरेक्ट है। और कैपिटल जी की जो वैल्यू है उसमें याद रखिएगा 10⁻ माइनस में होती है, प्लस में नहीं है। यहाँ पे बाय मिस्टेक +11 लिखा है, लेकिन 6.67 × 10⁻⁻ लिखना है आपको, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगेन इट इज़ फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो आप डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन आया करे तो उसके स्टार्टिंग से गिवन नोट करना स्टार्ट कर दिया करिए। तो फोर्स एफ दे रखा है, एक्ट्स अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज़ 9.8 न्यूटन। तो आप लिख लेंगे W इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वॉट इज़ द मास ऑफ द बॉडी, मास आपको कैलकुलेट करना है, एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, और आपको फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन स्मॉल a। टेक जी, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मास और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करने हैं, कौन से फॉर्मूले में आते हैं, फोर्स के। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से होता है, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एम ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट दे रखा है। तो एम ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाता है। और फिर आप दूसरा रिलेशन लिखेंगे वेट का, तो वेट क्या होता है, वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी, और वेट भी यहाँ दे रखा है, वेट कितना है, वेट है 9.8, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशन आया कि एम ए इज इक्वल टू 20, और दूसरा रिलेशन आया एम जी इज इक्वल टू 9.8 यहाँ तक। तो दोनों रिलेशन को आपने सॉल्व किया, दोनों में m आ रहा है, दोनों रिलेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो दोनों में m आ रहा है, m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, g अपॉन a इज़ इक्वल टू 9.8/20। इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से g की वैल्यू गिवन है और आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर a की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करके और फाइंड कर सकते हैं मास, ओके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एम ए इज इक्वल टू 20, उसी बाद एम जी इज इक्वल टू 9.8, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, मास कैंसिल हो जाएगा, जी अपॉन ए इज इक्वल टू 9.8/20, और वहाँ से जी सॉल्व कर, जी की वैल्यू गिवन है, ए सॉल्व करके निकाल लेना है, और उस ए की वैल्यू बाद में किस रिलेशन में पुट करना है, इस वाले में, क्योंकि आपसे दो चीज़ें फाइंड आउट कराई हैं, एक तो मास और दूसरा एक्सेलरेशन, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हैज़ फॉलन 100 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट है टोटल वो गिवन नहीं है, ये कहा है कि स्टोन को बस ड्रॉप कर दिया गया है क्लिफ से, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जब ये 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें टोटल हाइट अगर गिवन होगी तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने कितनी हाइट कवर की है, ड्रॉप किया गया, अब क्या क्या दे रखा है इसमें, तो ड्रॉप किया गया है, यू दे रखा है,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम रिलेशन ऐसा यूज़ करें जिसमें हाइट भी पुट कर सकें। तो एक काम कर सकते हैं, जो इसमें गिवन नहीं है हाइट, उस टर्म को छोड़कर हम फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द फार्मूला। आप ऐसा करिएगा कि ये वाला रिलेशन यूज़ करिएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और इस फॉर्मूले में h आप पुट करेंगे 100 मीटर, u 0 है, v आपको फाइंड करना है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको क्या फाइंड करना है, v, u तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh का मतलब 2 इंटू 9.8 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में स्क्वायर रूट करना है, वो आपका आंसर होगा v। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।